हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे काकरोल का सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा। आप इसे एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो गारंटी है कि ना खाने वाले भी आपसे ये मांग कर खाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम काकरोल लिया है और इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और अब हम इसका आगे और पीछे का भाग कट करके इसे बीच से काट लेंगे। काकरोल के आधे भाग को भी बीच में से कट कर लेंगे और इसे इस तरह बारीक बारीक ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप चाहे तो अपने पसंद का आकार में भी काट सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे काट लिया है। इसी तरह हम सारे काकरोल को काट कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे ककोड़े को काट करके प्लेट में रख लिया है। यहाँ मैंने मीडियम साइज का 3 प्याज को अच्छे से छील कर धो लिया है। और अब हम इसे इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में 2 प्याज को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और अब हम 1 प्याज को बारीक या महीन काट लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये देखिए, यहाँ मैंने प्याज को महीन और बारीक काट लिया है। और चलिए सेम तरीके से ही 1 टमाटर को वीडियो में दिखाए गए तरीके से बारीक या महीन काट लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने टमाटर को महीन काट लिया है। और बचे हुए 1 टमाटर को हम रफली बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। सब्जी बनाने के लिए हमेशा अच्छे और लाल टमाटर का ही यूज़ करें। और ये देखिए, यहाँ मैंने टमाटर और प्याज को अच्छे से काट कर रख लिया है। और अब हम सब्जी के लिए मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी लिया है और इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। और तीखा के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। टोटल हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और इसमें स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसमें थोड़ा सा या 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर हम मसाले को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे सब्जी में मसाला डालने से आपका मसाला जलेगा नहीं। और इस तरह के मसाले डालने से मसालों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर सब्जी में आएगा। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। और ये देखिए, कढ़ाई गरम हो गया। हम इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर तेल को भी गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें कटे हुए ककोड़े डालेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। ककोड़े को बनाने के लिए यहाँ मैंने मोटे तले वाले कढ़ाई का यूज़ किया है। अगर आपका कढ़ाई पतला है तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे भूनें। ककोड़े को हाई फ्लेम पे ही इस तरह चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे। ककोड़े को जंगली करेला भी कहा जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर खाएं। ककोड़े में हम 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर हम ककोड़े को फिर से मिलाते हुए हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे, जिससे ककोड़े हमारे थोड़े अच्छे से गल जाए और इसमें अच्छा सा ब्राउन या गोल्डन कलर आ जाएगा। ककोड़े को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है और ये देखिए, ककोड़े में लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है। हम इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट और भून लेंगे, जिससे ककोड़े हमारे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक डालने की वजह से ककोड़े हमारे जल्द गल जाएंगे और पकेंगे भी। ककोड़े को पकाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ मैंने इसमें फ्राई करते समय या भूनते समय ही इसमें नमक डाल दिया है। और ये देखिए, ककोड़े हमारे अभी पके नहीं हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। इससे सब्जी का फ्लेवर और अच्छा आएगा। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और ककोड़े को प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे ककोड़े को दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
और अब हम सेम कढ़ाई में ही 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल में 1/2 चम्मच या 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालकर हम इसे चटकने देंगे। जीरा हमारा तेल में अच्छे से क्रैक हो गए हैं और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे। प्याज डालकर हम इसे चलाते हुए इस तरह 1 मिनट के लिए या प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए प्याज हमारे तेल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालकर हम इसे चलाते हुए 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे तेल में अच्छे से भून गए हैं और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम इसे भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये गल भी जाएंगे। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और अब हम तैयार किए हुए मसाले डालेंगे। मसाले डालकर हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। हम इसे इस तरह चलाते हुए भून लेंगे और मसाले को भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और ये बहुत ही अच्छे से पकेंगे। मसाले को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है और ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और ये कढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसमें बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और प्याज हमारे गलेंगे नहीं। और ये देखिए प्याज को मैंने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है और अब हम इसमें बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल करके इसे भी हाई फ्लेम पे चलाते हुए हम भून लेंगे, जिससे टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मसालों के साथ हम प्याज और टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर प्याज और टमाटर में भी ऐड हो जाएगा। और अब हम फ्राई किए हुए ककोड़ा डालेंगे। ककोड़ा डालकर हम इसे भी हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छी तरह मसालों के साथ मिला लेंगे, जिससे मसाले हमारे ककोड़े के साथ भी अच्छी तरह मिल जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर आएगा। मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और अब हम इसमें मसाले वाला थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 चम्मच पानी मसाले वाले कटोरी में डाल दिया था और अब हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सब्जी को मसालों के साथ अच्छे से मिला लिया है और अब हम ढक कर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है और हम सब्जी को एक बार फिर से चला लेंगे या मिला लेंगे। और ये देखिए सब्जी हमारी मसालों के साथ मिल गई है, लेकिन अभी सब्जी हमारी अच्छे से पकी नहीं है। ककोरा को चलाते हुए हम और एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे। ककोरा की सब्जी में हम 1 कप पानी डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पानी लिया है। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए मिला लेंगे, जिससे पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढक कर पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ककोरा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसका पानी भी सूख गया है। हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे और ये देखिए हम इस तरह चेक करेंगे और ये देखिए ककोरे की सब्जी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। ककोरे की सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है
और अब हम इसमें हाफ चम्मच या आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालकर हम गरम मसाले को सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे, जिससे गरम मसाले का फ्लेवर सब्जी में मिल जाए और सब्जी और भी अच्छा स्वादिष्ट बनेगी। गरम मसाले का फ्लेवर सब्जी में और अच्छा आए, इसलिए हम इसे एक मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पे या मध्यम आंच पे पकने देंगे। और ये देखिए, सब्जी को पकते हुए एक मिनट हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। और चलिए अब हम सब्जी को प्लेट में सर्व कर लेंगे। इस तरह ककोरे की सब्जी आप घर में बना के ज़रूर देखिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। आप इसे इस तरह अपने घर पे बनाएंगे तो आपके घर पे बच्चे हो या बड़े, सभी आपसे मांग के खाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ककोरे का बहुत ही अलग और डिफरेंट नाम होता है, आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। ककोरा खाने में बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है, इसे मीठे करेला भी कहा जाता है। ककोरा कमजोरी दूर करता है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है।